أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز ملتی امیزنگ ویڈیوز چینل میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید ویورز ہم نے آپ کو بکریوں بھیڑوں اور بھینسوں اور کاؤز کی ویڈیوز دکھائی ہیں آج پہلی دفعہ ہم آپ کو یہ بھیڑوں کی ویڈیو دکھا رہے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھیڑوں کے بارے میں انفارمیشن لیں اور آپ کو پہنچائیں चराई पे लेके आए हैं चरा रहे हैं जंगल में आपको इनका व्यू दिखा दूं सर अस्सलाम वालेकुम सर आपका नाम व्यूअर्स मैंने इनसे नाम पूछा ये बता रहे हैं नाम अपना वसीम ये कौन से नस्ल की भेड़े हैं आपके पास टापरा नस्ल है भाई टापरे नस्ल की है अच्छा ये गोश्त के लिहाज से अच्छी है या दूध के लिहाज से बस सही है दूध के भी सही है अच्छा आप सिंधी में सही तरीके से बता सकते हैं ना अभी से ये भाई को उर्दू इतनी आती नहीं है तो इसलिए मैं इनसे सिंधी में पूछ के आपको बताऊँ अब वही था खड़े उठा कर रिटवान यार साढ़े 250 रिटवान इन्होंने वा जंग जारी ना अच्छा अभी से ये 350 भेड़े हैं अभी इनके पास और ये जंगल में इनकी चराई कराते हैं घास वगैरह महंगे तो इस वजह से ये जंगल में चराई करते हैं तो हिन मापो तांगे अंदाजो है साल में घणो मुनाफो थी वेंदो आ तांगे हिन ने साल में जी हां अच्छा भैया से ये बता रहे हैं कि ये अभी इनके पास जो 300 है तो एक साल तक इनके पास 100 से 150 तक और भी ये बढ़ेंगी इनकी रेट इन्हनि जो छा हूंदो आहे नॉर्मली इनका रेट बता रहे हैं 10-12 हज़ार तक रेट होता है इनका तो मना अंदाजो लगा जाए साल में बटे लग के बचन आया हाँ हाँ बचन अच्छा साल है 4 लाख बचाया 4 लाख बचाया व्यवस ये बता रहे हैं कि एक साल के ये तकरीबन 4 लाख तक इनका प्रॉफिट हो जाता है इन जो नंढो फर घणे जो खपंदो आहे नंढो इन 6 हज़ार खपे तो 5 खपे अच्छा व्यवस ये बता रहे हैं कि इसका जो छोटा बच्चा होता है वो 5 से 6 हज़ार तक का बिकता है अच्छा इन्हनि जो जेको घटो हूंदो आहे हाँ वो ये बता रहे हैं कि इनका जो ब्रीडर होता है बड़ा जो ये रखते हैं वो 20 से 30 हज़ार तक बिकता है वो होता है उन उसकी ड्यूटी और उसके वजन के हिसाब से अच्छा ये जो कुर्बानी जब जला जली ना होता ना खपाई जरिया होता वो कुर्बानी जो घने में खपी वादा तो ये बता रहे हैं कि कुर्बानी के लिए जो ये पालते हैं तो वो इनका जो एक शायद छतरा कहते हैं या क्या वो बता रहे हैं कि ये कुर्बानी में जो है 30 से 35 हज़ार से लेकर 70-80 हज़ार तक भी बिकता है ये मैं आपको बता रहा चलूँ इनको जल्दी है इनका मवेशी यहाँ पे ठहर नहीं रहे अच्छा को दोस्त रबो करें मोबाइल आए तक फ़ोन करें खरीदारी करना चाहे मोबाइल को ही पो ये माना तां यो को चारी ना लंदा आयो ना बचारी ना पीड़ी ते खपाइंदो हु रियाश किते आ तां जी नवाब शाह ओ ही हाने अगते हेडा पे वणो या वरी लाड यो को लाड बिनो यो सी ये घास के हिसाब से ये नवाब शाह से निकले हैं अब ये घास चराते चराते ये बोल रहे हैं कि ये बदीन की साइड तक जाएंगे और ये खरीदो फरोख जो है वो मंडियों में करते हैं फिर जो मंडी इनको करीब लगती है वहाँ पे ये बेचते हैं अपने खर्चे वगैरह के लिए और इनके पास कोई इनका नंबर वगैरह नहीं है नहीं तो मैं आपको वो नंबर भी प्रोवाइड कर देता बस उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी इनके पास अभी टाइम नहीं है इनका आप ये देख सकते हैं कि जानवर इनके भाग रहे हैं शायद भूखे हैं तो इसलिए ये टाइम नहीं दे सके बस उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और इंशाल्लाह आपका और हमारा साथ जुड़ा रहेगा हमसे कमेंट बॉक्स में आप रब्ता करके हमारी गाइडलाइन दे सकते हैं और आपकी गाइडलाइन से ही अच्छी वीडियो बना सकेंगे
ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جڑا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔